हाय गाइस, वेलकम टू आसम व्लॉग। आज मैं लेकर के आई हूँ आलू की पूड़ी, बेहद ही आसान और सिंपल तरीके से, आसान और बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होगा। इसके लिए मैंने आलू बॉईल कर लिया है और इसको मैश कर लेंगे, और हरा धनिया पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन की पत्ती और क्या था और प्याज। अभी आलू को मैंने मैश कर लिया, सभी को इसी में डाल देंगे। प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च, लहसुन की पत्ती, धनिया पत्ती और नमक, इन सभी को अच्छे से डाल करके मिक्स कर लेंगे। बेहद ही आसान है, आप लोग इन सभी को एक बार अपने घर पे बना करके देखिए, ट्राई कीजिए। सिर्फ 5 चीज़ों से बना करके देखिए, बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा आलू की पूड़ी। आटा को मैंने ले लिया, अब इसको ऐसे गोल गोल गोलाई कर लेंगे, कटोरी टाइप का। अब इसमें आलू डाल देंगे, अच्छे से धीरे धीरे करके इसको गोलाई कर लेंगे और फिर रोटी बना लेंगे, अपना बेल लेंगे। बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए अपने घर पे, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये मेरा रेसिपी कैसा लगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसमें थोड़ा तेल लगा लेंगे, अब रोटी डाल देंगे इस पर, साइड से हो गया, पलट देंगे। ठंड के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है आलू की पूड़ी, एक बार आप लोग अपने घर पे ट्राई कीजिए बना करके। घी और चटनी, हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कीजिए। चलिए तो रेसिपी देखते हैं, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बाय। Constellations, they remind me that this life cannot be lost forever. I watch my journey.